नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम आफे का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के। आज आपका एग्ज़ाम सिटी, टाइम और शिफ्ट किस शिफ्ट में है उसकी जानकारी आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कब आपका एग्ज़ाम होगा, किस टाइम होगा और किस शिफ्ट में होगा, किस सिटी में होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, क्या आपको बस आपको पता होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ। अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आपको कैसे, आपको आप भूल गए हैं तो आपको कैसे वो मिल सकता है दोबारा। उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को जरूर शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, जिससे से और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और कोई भी अपडेट मिलती रहे। चलिए देखते हैं इस पर। सबसे पहले तो जाके यूपी पुलिस साइट पर क्लिक कर दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज खुल के सामने आएगा ऐसा। इसमें करना क्या है आपको, सीधे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका आपको क्लिक करना है, क्लिक फॉर सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, इतना ध्यान रखिए, ये एडमिट कार्ड नहीं है। इससे आपको केवल पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख पाएंगे आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, आपका नेम होगा उसमें, आपका फादर नेम होगा, उसके बाद आपका DOB होगा और सिटी एग्ज़ाम सिटी होगा, टाइम होगा और कितने टाइम में आपको प्रेजेंट होना है वो होगा, और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, किस दिन है, ये इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन नीचे एक नोटिफिकेशन लिखा होगा, ये एडमिट कार्ड नहीं है जी, बिल्कुल ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका किस दिन एग्ज़ाम होगा, किस शिफ्ट में होगा। ये इन्फॉर्मेशन दी गई आपको, बस ये सिटी के इन्फॉर्मेशन के लिए, ये एडमिट कार्ड नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप अपना मैसेज चेक कर लीजिए, मैसेज बॉक्स में अगर आपको मिल जाएगा तो ठीक है, अगर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी पुलिस का नहीं मिलता है, डिलीट हो गया मैसेज, तो आप सीधे जाइए अपने जीमेल पे जाइए और जीमेल पे जाके आप सर्च कीजिए, सर्च में UPPBP, बस इतना आप सर्च कीजिए, आपको यूपी पुलिस का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो आपको अपना पता ही होगा, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे भी ना मिले तो यूपी पुलिस की साइट पे जाके नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगे वो आप डाल देंगे तो आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जहाँ तक आपको आपके जीमेल पर 100% आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।